क्लास नाइन्थ में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज थी 7.3, वो कंप्लीट हो चुकी थी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें, और हम नेक्स्ट लेंगे 7.4 लेंगे। तो 7.4 का जो रूल है उन रूल्स पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट रूल देख, 7.4 से बिफोर जो रूल है उनका आप इन रूल्स में ध्यान दें। जैसे इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल सॉरी साइड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड साइड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये साइड आपके पास। फर्स्ट रूल है इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इन ए ट्राइंगल, फर्स्ट रूल आप ये राइट करो, इन ए ट्राइंगल एक ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू द यानी कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इस रूल का हम फर्स्ट में फॉलो कर रहे हैं। जो एग्जांपल मैंने लिया है इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये एग्जांपल लिया है। देखो फर्स्ट क्या रूल है कि इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, और फिर यहां है कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। साइड के लिए देखो, साइड बी सी, तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। अब इनको हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, इन साइड्स को किसमें सेट करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बी सी यानी कि साइड बी सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है बी सी, नेक्स्ट ए सी एंड नेक्स्ट ए बी। और अब आगे इस रूल का हम यूज करेंगे, इन ए ट्राइंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी आ रहा है, लॉन्गेस्ट साइड इज बी सी, तो बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल ए, तो सो डेट एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल या फिर लॉन्गेस्ट एंगल या फिर लार्जर एंगल, लार्जर साइड इज लार्जर। अब नेक्स्ट है यहां से ए सी, तो साइड ए सी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी इज 5 सेंटीमीटर, जिसका अपोजिट एंगल कौन सा आ गया, एंगल बी, तो एंगल बी इज लेस देन एंगल बी। एंड लास्ट है ए बी, ए बी साइड सबसे यहां लोवेस्ट है, छोटी है, स्मॉलेस्ट साइड है 4, तो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी, एंगल सी इज लॉन्गेस्ट एंगल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना यहाँ पर, और ये पॉइंट इजी है कि यानी कि जो साइड सबसे ग्रेट यानी कि लॉन्गेस्ट है, कि जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा यानी कि लॉन्गर हो, या फिर कोई साइड सबसे स्मॉलेस्ट है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट ही हो। ये आपको इस रूल में ध्यान रखते हुए चलना है। फर्स्ट रूल है, सेकेंड रूल देखो, इसमें ट्राइंगल तो जस्ट इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट रूल है 7.4 में इन रूल्स का यूज होगा। इन ए ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये सेम ही है, दूसरा इसका इनवर्स है। सपोज करो ये आपके पास एंगल से इसमें सेकेंड में ए बी सी ट्राइंगल आया, ए बी सी, एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल सी इज 40 डिग्री। इनका सम ऑफ कितना होता है, सम ऑफ इन ए ट्राइंगल 180 होता है, तो 180 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहां पर देखो एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 40। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे एंगल्स को, एंगल ए इज लार्जर और एंगल बी एंड लास्ट एंगल सी। अब इनके आपको लेनी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी आ गई, तो बी सी, तो बी सी इज ग्रेटेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड आ गई बी सी। फिर नेक्स्ट एंगल बी की अपोजिट साइड, एंगल बी इसकी अपोजिट साइड है ए सी,
एंड लास्ट लोवेस्ट साइड इज एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोवेस्ट साइड। इस प्रकार से हम सेट करेंगे कि यानी कि देखो कि जो एंगल सबसे ग्रेटेस्ट है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेट होगी या लोंगर होगी, या जो साइड यहाँ लोवेस्ट है या फिर जो एंगल लोवेस्ट है उसका अपोजिट है जो साइड है वो भी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। इस रूल को आपको समझते हुए चलना है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 7.4 स्टार्ट करते हैं। अब 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डेट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, आपके पास एबीसी हो सकता है, पीक्यूआर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ये किसमें है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल आपके पास ट्राइंगल है पीक्यूआर, पीक्यूआर इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल पीक्यूआर, इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है, एंगल Q इज 90 डिग्री गिवन है ये पॉइंट आपको। एंड PR इज हाइपोटेनियस, PR क्या है यहाँ साइड, हाइपोटेनियस अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो ये इसकी डेफिनेशन है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो सो डेट यहां हाइपोटेनियस कौन सी है, पीआर। तो ये तो पॉइंट गिवन हो गया, एंड प्रूफ क्या करना है आपको, इसमें प्रूफ करना है आपको यानी कि लॉन्गेस्ट साइड यहां कौन सी होगी, हाइपोटेनियस होगी, कि द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी PR इज ग्रेटर देन PQ और PR इज ग्रेटर देन QR। अब PR यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, PQ एंड QR से ग्रेटेस्ट, ये पॉइंट आपको इसमें शो करना है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं प्रूफ में, अब प्रूफ वाले पॉइंट में चलते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल्स का सम ऑफ हम लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन एंगल्स का सम ऑफ कितना आएगा 180, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 is equal to 180. Value of angle Q, Q is right angle, तो angle P plus angle Q 90 degree plus angle R is equal to 180. By TP करें 90 का, तो angle P plus R, जो relation है P and R का, वो क्या आपके पास आएगा? Angle P plus angle R is equal to 180 minus 90. 180 minus 90. 180 में से 90 को less करो, तो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिलेशन आपके पास बन जाए। अब यहां इनको कंपेयर करते हुए चलते हैं, एंगल क्यू एंड एंगल पी का रिलेशन लेते हैं, एंगल क्यू एंड एंगल आर, सॉरी एंगल पी। तो यहां से एंगल क्यू इज राइट एंगल है आपके पास, एंगल क्यू है राइट एंगल है, एंड एंगल पी प्लस आर की वैल्यू 90 है, इसका मतलब क्या आ गया कि एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी, एंगल पी से ग्रेटर देन है। अब इनके अपोजिट साइड ले लो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हम यहां से लेते हैं, तो एंगल क्यू की अपोजिट साइड, एंगल क्यू की अपोजिट साइड इज पी आर, तो पी आर इज ग्रेटर देन एंगल पी की अपोजिट साइड है क्यू आर एंड क्यू आर। तो फर्स्ट रिलेशन की आपके पास प्रूफ आ गया कि पी आर ग्रेटर देन क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, फर्स्ट पॉइंट एच पी। अब सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, एंगल क्यू एंड एंगल आर को कंपेयर करेंगे,
एंगल क्यू एंड एंगल आर को कंपेयर करते हैं, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आर से ग्रेटर देन है क्योंकि एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, तो सो डेट एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। एंड एफ के अपोजिट साइड हम लेते हैं, अपोजिट साइड एंगल क्यू की अपोजिट साइड पी आर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू इज पी आर, एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर, एंगल आर की अपोजिट साइड है पी क्यू, ये पी क्यू, तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये पॉइंट है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां से आपको लिखना है वी कैन से, वी कैन से डेट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, वी कैन से डेट, हम ये कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपके पास पॉइंट फाइंड आउट। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन इनका आपको बच्चों प्रैक्टिस पक्की करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन दिमाग से आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंड टू पॉइंट पी, फिगर है, इस फिगर में आप ध्यान दो जो इसका डायग्राम है, इसका ए बी एंड ए सी है साइड ट्राइंगल ए बी सी की, तो इनको आगे एक्सटेंडेड किया गया है, एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, प्रोड्यूस करना, कहीं देखो सिमिलियर वर्ड है, ये सिमिलियर वर्ड है, एक्सटेंडेड करना या इंक्रीज, इंक्रीज आ जाए, और यह फिर थर्ड वर्ड है इसमें प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, तो ये आपके सिमिलियर वर्ड है, इनका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये इसकी फिगर है आपके पास, ए बी सी, ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक, ये पॉइंट पी, और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू तक, ए सी को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है क्यू तक, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में, अब यहां से आप देखो, एंड गिवन में आपके पास है एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी लेस देन, लेस देन है एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, ये पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट क्या है गिवन है, प्रूव डेट क्या प्रूव करना आपको क्वेश्चन में वो देखो, या शो डेट, प्रूव डेट प्रूडेट है ए सी इज ग्रेटेस्ट साइड, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी साइड, ये पॉइंट प्रूव करना कि ए सी ग्रेट होगी किससे, ए बी से, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है एंगल्स के बारे में, तो हमारे को देखो यहाँ ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा, इस एसी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल वन होगा, एंगल वन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रूफ वाले पॉइंट पे, यानी एसी साइड ग्रेटर देन एबी साइड आपको प्रूफ करना है, तो ये एंगल वन और ये एंगल टू हम लेते हैं, ये एंगल्स आपको गिवन में, एंगल पीबीसी एंड एंगल क्यूसीबी में रिलेशन आपको गिवन में, प्रूफ वाले पॉइंट में देखो इनका समूह हम लेंगे एंगल वन प्लस एंगल पीबीसी, एंगल वन प्लस एंगल पीबीसी इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180, एंड एंगल वन का बाई टीपी करें तो एंगल पीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल वन, ये एंगल वन, यानी कि ये आ जाएगा एंगल पीबीसी का रिलेशन आ गया कि 180 माइनस एंगल वन,
यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल पीबीसी इक्वल टू 180 क्यों आई? बिकॉज लीनियर पेयर बिकॉज एपी इज लाइन। आप यहां से राइट कर सकते हो एपी इज लाइन। सो डेट एंगल 1 प्लस एंगल पीबीसी इक्वल टू 180 आई इसकी वैल्यू। एंड एंगल पीबीसी इक्वल टू बाय टीपी ऑफ एंगल 1, टीपी करते ही माइनस 1 एंगल। हम जस्ट सेकंड में देखो AQ इज लाइन। सो डेट एंगल 2 प्लस एंगल QCB, एंगल QCB इक्वल टू 180 बाय टीपी ऑफ एंगल 2। इसका रीजन भी LP लीनियर पेयर। तो एंगल QCB इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। ये इक्वेशन से अब इनको हम कंपेयरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सन। एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB, एंगल PBC इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एंगल QCB। ये गिवन है आपको, ये पॉइंट क्या है गिवन है सर। तो अब इनकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। एंगल PBC है, एंगल PBC, तो PBC इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 180 माइनस एंगल 1 साइन ये, एंड QCB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। 180 कैंसिल और यहां से अब साइन चेंज हो जाएगा इसका। माइनस में जो वैल्यू रहती है छोटी वो क्या होती है बड़ी होती है, यहां इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। देखो माइनस में वैल्यू तो ये प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन इसका कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइन को कन्वर्ट करें। अब यहां से आप इसको कंपेयर कर लो कि एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है। एंगल 1 के अपोजिट साइड है AC, तो AC इज ग्रेटर देन। एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है AB, ये आ जाएगा AB, ये रिलेशन आएगा। जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी, और जो एंगल क्या है लोवेस्ट है उसके अपोजिट साइड इज लोवेस्ट। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये राइट हम कर सकते हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। यहां पे आप राइट कर सकते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। इसका हम यहां यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट है। यहां से आपको दोबारा से क्वेश्चन को आप देख सकते हो, यहां से एंगल PBC एंगल QCB है। अब इनकी वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू है 180 माइनस एंगल 1 और 180 माइनस एंगल 2, बोथ साइड 180 कैंसिल। एंड देखो यहां पे माइनस में वैल्यू जिसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए साइन चेंज आपको करना है, ये माइनस 2। तो यहां से एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 एंड इट्स अपोजिट साइड आप यहां से राइट कर सकते हो। क्या राइट कर सकते हो? अपोजिट साइड। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फिगर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप केयरफुली रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके इन फिगर। ओ एंगल ए एंगल बी सी एंड डी ये एंड गिवन में क्वेश्चन में इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, यानी इन गिवन फिगर इस फिगर में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी से लेस देन। तो आपको क्वेश्चन में शो क्या करना है वो देखो, क्वेश्चन में शो क्या करना है वो देखो। आप
देखो इस एंगल के साइन में और लेस देन ग्रेटर देन के साइन में डिफरेंस है। एंगल का साइन यहां से स्टार्ट होता है और लेस देन ग्रेटर देन का साइन यहां से स्टार्ट होता है, तो इन साइन में क्या है फर्क है, तो आपको डिफरेंस के द्वारा इनको राइट करना है साइन, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो देखो। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि AD इज लोवेस्ट साइड ऑफ BC, AD इज लोवेस्ट साइड ऑफ BC, यानी कि AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC, ये आपको चल रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन में है हम उन्हीं का रिलेशनशिप लेते हुए चलेंगे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में आपको गिवन में क्या है, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A इन ट्राइंगल AOB, किस ट्राइंगल में AOB में, फर्स्ट लेंगे यहां से इन ट्राइंगल AOB, प्रूफ वाला पॉइंट है यहां, क्या आप राइट करोगे प्रूफ, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर का आता है गिवन, ये गिवन का पॉइंट है। सेकंड आ गया टू प्रूव डेट, प्रूव डेट या शो डेट, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आता है कंस्ट्रक्शन, तो अभी तक इनमें नहीं आया कंस्ट्रक्शन, और थर्ड नंबर क्या आएगा प्रूफ, थर्ड नंबर रहेगा प्रूफ। तो इन ट्राइंगल AOB, कौन सा ट्राइंगल आपके पास AOB, तो इस ट्राइंगल में देखो यहां, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या रिलेशन है, एंगल B, एंगल B इज लेस देन एंगल A। अब इनके अपोजिट साइड लें, इनके अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, एंगल बी की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इज ओ ए, इज ओ ए इज लेस देन एंगल ए की अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड इज ओ बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, एंगल बी की अपोजिट साइड इज लेस देन ओ बी, एंगल ए की अपोजिट साइड से लेस देन ओ बी, अकॉर्डिंग जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे अकॉर्डिंग रूल्स। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड जो रिलेशन है वो कौन से ट्राइंगल में, सी एंड डी इन ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल सीओडी, इस ट्राइंगल में देखो एंगल सी इज लेस देन, इज लेस देन एंगल डी, एंगल डी। अब लेना है आपको इनकी अपोजिट साइड, इनकी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो एंगल सी की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज ओडी, तो ओडी इज लेस देन एंड एंगल डी की अपोजिट साइड ओसी एंड ओसी, ये इक्वेशन आ गया सेट। अब इनको बोथ इक्वेशन को क्या करना है, एडिंग करना, बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे यहां से एडिंग करेंगे, यानी कि एडिंग यहां से लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन का आपको एडिंग करना है, तो एडिंग करें तो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी एड होगी आपस में, बिकॉज क्योंकि ये इसमें LHS प्लस LHS एंड RHS प्लस RHS, तो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी एंड साइन देखो दोनों में इक्वल साइन आ रही है, सेम साइन है, तो यहाँ इसी साइन का यूज होगा, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी। नेक्स्ट स्टेप में ओ ए प्लस ओ डी इज कॉल्ड, ओ ए प्लस ओ डी इज कॉल्ड ए डी, अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम, तो ओ ए प्लस ओ डी इज इक्वल टू ए डी, एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इज कॉल्ड बी सी, इज कॉल्ड बी सी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटिंग कर, कौन कौन सी वैल्यू पुटिंग करेंगे अकॉर्डिंग डायग्राम, देखो OA प्लस OD, OA प्लस OD इनको हम एडिंग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास AD, तो यहां से हम राइट करेंगे AD साइन लेस देन एंड OB प्लस OC, OB प्लस OC इज कॉल्ड BC, इज कॉल्ड BC, यही पॉइंट आपको इसमें प्रूफ करना था, AD इज लेस देन BC, लास्ट में क्या राइट करेंगे हम HP। तो क्वेश्चन आपके थर्ड है इसमें कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर फिफ्थ एंड सिक्स, थ्री क्वेश्चन ओवर है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7.5 एक्सरसाइज है ऑप्शनल, और देखो कुछ एक्सरसाइज के नीचे भी राइट है कि ये एग्जाम के लिए नहीं आएगी एग्जाम में, तो 7.5 जो भी ये ऑप्शनल है वहाँ, तो वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी ऑप्शनल। ऑप्शनल तो हम आपको क्लास में ही बताते हुए चलेंगे, स्कूल ओपनिंग होगी तब, लेकिन जो आपके ये है अब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप लर्न कीजिए, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान देते हुए चलना है।